ऋषभ पंत का हुआ पोपट, उर्वशी रौतेला ने उन्हें नहीं बोला था सॉरी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल की एक और नई वीडियो में। ऋषभ पंत और उर्वशी रौतेला से जुड़ी खबरें आना आम बात हो गई हैं। हर दूसरे दिन इन दोनों को लेकर कुछ न कुछ पोस्ट होता ही रहता है। इसी कड़ी में एक बार फिर से ऐसा ही कुछ देखने को मिला है, जिसके बाद पंत और रौतेला का नाम सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहा है और दोनों पर मीम्स बन रहे हैं। दरअसल उर्वशी रौतेला का एक इंटरव्यू सामने आया था, जहां इस इंटरव्यू में अभिनेत्री सॉरी बोला था और ये लग रहा था कि वो ऋषभ पंत से माफी मांग रही हैं, जिसके बाद उनकी माफी वाला वीडियो काफी वायरल हुआ था। लेकिन अब उन्होंने इसे लेकर सफाई पेश की है। उर्वशी रौतेला ने अब इंस्टा स्टोरी के जरिए सॉरी वाली वीडियो पर दी है सफाई। इंस्टा स्टोरी पर इस अभिनेत्री ने साफ तौर पर लिखा, सॉरी न्यूज बनाई गई थी। रौतेला ने आगे ये भी लिखा, वो सॉरी सिर्फ मैंने अपने फैंस के लिए बोला था। अब सोशल मीडिया पर इसकी ये इंस्टा स्टोरी काफी ज्यादा ही वायरल हो चुकी है। वहीं आपको बता दें कि पंत के बाद इस अभिनेत्री का नाम पाकिस्तानी तेज गेंदबाज नसीम शाह से भी जुड़ा था, लेकिन बाद में नसीम शाह ने इस अभिनेत्री को पहचानने से इनकार कर दिया था और उर्वशी ने इसे लेकर भी सोशल मीडिया के जरिए साफ पेश करने की काफी कोशिश की थी। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।